आने वाला परिवर्तन का समय है और पवन जी एक जुझारू सरपंच है, संघर्षशील है, छत्तीस बिरादरी को लेकर चलने वाला आदमी है। कहना चाहोगे पुन्ना सरपंच की साख के आदमी है कि एक नंबर का आदमी, बहुत बड़ी आदमी है। हम जेजेपी का स्वागत करते हैं समाज की तरफ से जो पवन शर्मा को ये जिम्मेवारी दी है, और हम पवन के साथ साथ चल करके पवन की जहाँ भी मेहनत की जरूरत पड़ेगी समाज उसके साथ दिल जान से काम करेगा। जो जिम्मेवारी मेरे को दी है उसको मैं कर्तव्य के साथ निभाऊंगा, और दूसरी जिम्मेवारी जो मेरे समाज ने मेरे को पगड़ी बांधी है मैं इसकी भी पगड़ी का भी पूरा मान सम्मान करूंगा, और पार्टी के आगे भी कोई मेरे समाज ने कोई बात है तो उसको भी मैं ले जा रखूंगा बात को। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मऊ आपके साथ रूण दून। इस वक्त हम गोहाना की नई अनाज मंडी मौजूद है, जहाँ पर जो वृद्ध हल्का के मोई उड्डा गाँव के सरपंच है पवन शर्मा, पंडित पवन शर्मा, उनको जननायक जनता पार्टी का पंचायती प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया, ब्राह्मण समाज द्वारा आज इनका भी सम्मान किया गया। जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष है और दूसरे पदाधिकारी है उनका भी सम्मान किया गया। हमारे साथ राज सिंह दहिया जिला अध्यक्ष मौजूद है, उनसे आप जान दहिया साहब उन शर्मा को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है तो क्या कहना चाहिए? बढ़िया है, मैं भी इसी प्रकोष्ठ से हूँ, वैसे तो मैं जिला पंचायत का चेयरमैन रहा हूँ 2000 से 2005 तक, काम करेंगे, हमने भी काम किया था, हमने भी यही सीखा, पार्टी में काम करना ही सीखा है, तो अच्छी बात है, अच्छी जिम्मेवारी दी है इनको तो निभाएंगे पूरी तरह से। दुष्यंत चौटाला भी करकोद हल्का में आए थे, दावा कर रहे थे कि सोनीपत में चौधरी देवीलाल वाली लहर चल पड़ी है, शायद आप लोग ना आए होंगे, वहाँ सात गांव का प्रोग्राम था और हजारों की तादाद में गांव से लोग आए हुए थे, वही लहर जो चौधरी देवीलाल के टाइम पर होती थी वही लहर है। पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पवन सरपंच मोई उड्डा भी हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, पार्टी ने बड़ी अहम जिम्मेवारी आपके जम्मे दे दी है, तो किस प्रकार की जिम्मेवारी के नाम पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। जो जिम्मेवारी मेरे को दी है उसको मैं कर्तव्य के साथ निभाऊंगा, और दूसरी जिम्मेवारी जो मेरे समाज ने मेरे को पगड़ी बांधी है मैं इसकी भी पगड़ी का भी पूरा मान सम्मान करूंगा, और पार्टी के आगे भी कोई मेरे समाज ने कोई बात है तो उसको भी मैं ले जा रखूंगा बात को, और दहिया साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, सबसे मुश्किल जिम्मेवारी आपको मिली है पार्टी की तरफ से, क्योंकि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि है सरपंच है, और चुने हुए प्रतिनिधि होगा आपको जिला अध्यक्ष बनाएगा, सरपंच जोड़ने, जिला परिषद जोड़ने, मेंबर जोड़ने, उनको मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ जोड़ूंगा। आज भी आप देख लो, आज भी देख लो आप इसको, ये तो आपके सामने है बिल्कुल सारा। आज गया था हम कई गणे शुरू दिन तय देखे, जिस दिन सरपंच बोलो ये हो उस दिन सरपंच सर वो आपके दौरे भाईचारा बहुत बढ़िया है। हाँ जी, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाऊंगा, और आपका जो भाईचारा है ना सरपंच वाला वो लंबा धरना भी दे गया, नाराज भी चल रहा, मनाना बहुत मुश्किल होगा। मनाऊंगे बिल्कुल, एक एक को जाके बिल्कुल मनाएंगे, और उनकी बातों को भी हम डिप्टी सीएम साहब के पास पहुँचाएंगे और उनका समाधान करवाऊंगे। तो उम्मीद है पंचायती जो प्रतिनिधि है चुने प्रतिनिधि है उन वहां पार्टी के साथ जुड़ लो, बिल्कुल बिल्कुल, एक जिम्मेवारी और बहुत बड़ी आगी। दुष्यंत चौटाला विरुद्ध हल गएगी, खास करके ये सोनीपत जिले में चुनाव जीतने की, और आपका गांव विरुद्ध हल के में है, तो यह जिम्मेवारी किस तरह पूरी पूरी मेहनत करेंगे हम, गाँव को भी मनाएंगे आस पास के विरुद्ध हल के जितने सरपंच है मेंबर है पार्षद है सब, तो आपकी बातचीत होली चुनाव जिताने की विरुद्ध में नहीं होली हो जाएगी धीरे धीरे, अभी तो 5 से 7 दिन हुए हैं। अच्छा हो जाएगी 5 से 7, हाँ आज आए हैं प्रधान जी, आज होंगी बात और भी। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है, भाई साहब बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने पवन शर्मा जो सरपंच है मोई उड्डा के दी है, और आप आपके समाज ने उनका सम्मान भी किया, तो क्या कहना चाहोगे? हम तो समाज के सबसे पहले तो हम जेजी पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ौदा हल्का में एक इतना सम्मानित पद हमारे ब्राह्मण समाज को दिया, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। उसके बाद मैं पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो समाज के बारे में कुछ पूछने आए। मैं समाज की तरफ से हमने एक समिति बनाई है सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति गौणा और बड़ौदा हल्के की, तकरीबन 116 गाँव में से हमारे पास 5-5, 10-10 आदमी हर गाँव से है, समाज इकट्ठा हो गए, जब पार्टी ने इतना सम्मान दिया है कोशिश करेंगे समाज से बात करेंगे भाई, हो सकता है इनको भी आशीर्वाद दिया जाए, तो समाज एक और उम्मीद लेकर चल रहा है कि पवन शर्मा को और भी अहम जिम्मेवारी अमर छात्र भी। क्या नाम सर आपका? राजकुमार फौजी। फौजी साहब क्या कहना चाहोगे पवन सरपंच को जो ये पार्टी ने
जिम्मेवारी सौंपी है? हम जेजेपी का स्वागत करते हैं समाज की तरफ से जो पवन शर्मा को ये जिम्मेवारी दी है, और हम पवन के साथ साथ चल करके पवन की जहां भी मेहनत की जरूरत पड़ेगी समाज उसके साथ दिल जान से काम करेगा। जेजेपी ने पवन शर्मा को सरपंच साहब को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है जिलाध्यक्ष की, क्या कहना चाहोगे? हम इसका पूरा साथ देंगे। किसान के बड़ी आदमी है, रिश्तेदार भी है और समाज खातिर बड़ी आदमी है। अच्छा, उम्मीद तो नुहागा और को जिम्मेदारी देगी तो और साथ देवांगे। क्या नाम भाई? भाई मदन अत्री है। अत्री साहब, कौन सरपंच को जिम्मेवारी मिली को गए? भाई आने वाला परिवर्तन का समय है और पवन जी एक जुजारू सरपंच है, संघर्षशील है, छत्तीस बिरादरी को लेकर चलने वाला आदमी है, और इसके नेतृत्व में जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी उसे पूरा करेंगे। क्यों उम्मीद लेकर समाज भी इसके साथ है भाई, उम्मीद बहुत बढ़िया है, आगे आने वाला समय बताएगा। पूरा समाज पर्टिकुलर ब्राह्मण समाज पवन जी के साथ है। किसा के है आदमी है पवन सर? बहुत बढ़िया है जी, कतिनो अरका दिन रात खड़े होने वाला, और कोई भी काम कह दो किसी बिरादरी का नहीं, छत्तीस बिरादरी का। पार्टी मौका दे फिर भी पार्टी मौका देगी तो पूरा समाज उसके साथ है, उसके हाथ मजबूत करेंगे हम तो। लोगों पवन शर्मा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है जी? मेहर सिंह शर्मा का संडा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे शर्मा जी? पहले तो जेजी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे समाज को ऊपर उठाने का उन्होंने काफी अहम प्रयास किया और हमारे भाई को ये पद दिया। शर्मा ने भी जेजेपी ने बढ़िया जिम्मेवारी दे दी। बहुत बढ़िया है जी, हम इसके साथ हैं, वैसे भी चलाएंगे हम उसे चलेंगे। और क्यों मौका मिल गया था फिर क्या रहेगा? मौका मिल गया था फिर हम और कोशिश करेंगे उसको आगे बढ़ाने की। अच्छा, किसा के आदमी है सरपंच साहब? सरपंच साहब ठीक आदमी है, बहुत बढ़िया है, इनकी छवि बहुत अच्छी है और इनके आदर कहने पर हमने मजबूती मिलती है। कहना चाहोगे पुनः सरपंच किसा के आदमी है? एक नंबर का आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है ये भाई है। मैं गाँव रंडाना से हूँ। क्या कहना चाहोगे जी सरपंच? ब्राह्मण समाज कल्याण समिति का प्रधान हल्का बरोदा से हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा जो कि जेजेपी पार्टी ने मान सम्मान दिया हमारे पवन भाई को, पहले तो हम सब इस हल्का बरोदा की तरफ से, हल्का गोहाना की तरफ से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, जिले का अध्यक्ष बनाया। हम इसको इनके साथ मिलकर के, ब्राह्मण समाज तो है ही, हमारी समिति के साथ 36 जात जुड़ी हुई है, हम हर समाज के साथ अपना मेल मिलाप रखते हैं, और भाई का पूरा तय दिल से तन मन और धन पार्टी का पूरा मान सम्मान रखेंगे। और अच्छा, भाई एक का भी बताओ शर्मा जी, जी पार्टी ने जिम्मेवारी दे दी जिलाध्यक्ष की, जी जी आगे और कोई जिम्मेवारी मिल रहा है? बखूबी निभाएंगे भाई के साथ मिलकर के, पूरा साथ देंगे।